प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। पूरा साल 2023 और 2024 की शुरुआत एक सवाल के साथ गुजरी है कि ईडी और सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों का क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सत्ता पक्ष की अपनी दलील है और विपक्ष के अपने आरोप हैं। हालांकि इस मुद्दे पर परसों मैंने डिबेट की थी, सबसे बड़ा सवाल इसी पर पूछा था और आज फिर मात्र दो दिन बाद इस डिबेट को करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में बिल्कुल अप्रत्याशित घटना हुई। ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल के 24 परगना पहुंचे, जहां उन्हें टीएमसी के एक नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी थी और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के भी अधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, लेकिन 200 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने हमला किया, अधिकारियों के सिर फोड़ दिए गए, यहां की तक की वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। 200 लोगों ने जबरदस्त हमला किया उस टीम पर जो रेड डालने पहुंची थी। यहां तक कि एक और बात कि सीआरपीएफ के जो जवान गए थे सिक्योरिटी के लिए, उन पर भी हमला हुआ और उन्हें भी गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। और आरोप था टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर राशन घोटाले का। हालांकि बाद में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद बयानों की एक लंबी फेहरिस्त शुरू हो गई। किसी ने कहा कि भाई राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है, अगर कोई जांच एजेंसी केंद्रीय एजेंसी राज्य में पहुंचती है तो सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। अधीर रंजन चौधरी जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी है कि अभी तो सिर्फ जख्म मिले हैं, चोटें आई हैं, हो सकता है कल हत्या भी हो जाए। इस तरीके के आरोप लगाए गए और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को तलब किया और यह कहा कि बनाना रिपब्लिक नहीं है, जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ यह व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकता। और यह बात जायज है क्योंकि ईडी और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों केंद्र की जांच एजेंसियां हैं और इन्हीं की साख पर लोकतंत्र की जड़ें टिकी हैं। ऐसे में अगर कोई जांच एजेंसी किसी राज्य में जाती है तो इस तरह की जो घटना है वो अप्रत्याशित भी है, निंदनीय भी है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। ये तस्वीरें उसी समय की मैं आपको दिखा रही हूं, किस तरीके से अधिकारियों के सिर पर चोट आई, बाहर खदेड़ दिया गया। इसके पहले एक बार और पश्चिम बंगाल में सीबीआई को भी घुसने से रोक दिया गया था, राज्य की सीमा के भीतर दाखिल होने से रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि यह नौबत आई क्यों। अभी सिलसिलेवार ट्रेल देखिए, 26 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के ही वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक की अरेस्टिंग हुई थी, राशन घोटाले में ही। जिस समय अरेस्टिंग हुई उस समय वन मंत्री के पद पर थे, लेकिन जिस समय का घोटाला है उस समय खाद्य मंत्री हुआ करते थे। उसके ठीक पहले पिछले साल पर आ जाइए, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बाद नंबर टू की पोजीशन पर कैबिनेट में शामिल थे, उनके खिलाफ आरोप लगता है, अरेस्टिंग होती है, उनकी करीबी अर्पिता के दो फ्लैट में से 49 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होती है, दोनों अभी जेल में है। लेकिन मैं 3 जनवरी का जिक्र जरूर करूंगी, परसों का, जिस दिन मैंने ये डिबेट की थी। उस दिन दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को तीसरा जो समन भेजा गया था दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, अरविंद केजरीवाल की पेशी थी 3 जनवरी को, पेश नहीं हुए। आरोप यह लगाया कि ईडी का जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है, मुझे गिरफ्तार करने की साजिश है, मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं, यह रोकने की बीजेपी की साजिश, षड्यंत्र, हथकंडा है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए क्योंकि गिरफ्तारी का डर था। फिर झारखंड चलिए, हेमंत सोरेन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 7 बार समन भेज चुकी थी अवैध खनन घोटाले में, हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। और परसों हुआ यह कि उनके 12 करीबियों के घर पर रेड डाली गई, जिसमें हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर भी थे, लॉकर तोड़े गए। और उसके पीछे एक पूरी ट्रेल है
विधानसभा चुनाव तक लेकर चलती हूं आपको। राजस्थान में रेड हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर वैभव गहलोत से लेकर, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, सबको समन भेजे गए। गोविंद सिंह डोटासरा के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, अशोक गहलोत के कई करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। छत्तीसगढ़, पहले चरण का जब चुनाव छत्तीसगढ़ में होना था, उसके मात्र 3 दिन पहले 3 लोगों की अरेस्टिंग होती है। असीम दास नाम के ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है और असीम दास के हवाले से ईडी ये क्लेम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि 506 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसी ड्राइवर ने पहुंचाए। महादेव ऐप घोटाला, जिसका पैसा पहुंचा भूपेश बघेल तक, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अब, जिसको कोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि घोटाले का पैसा जा रहा है कांग्रेस के मुख्यमंत्री तक। बाद में असीम दास नाम का यही ड्राइवर पीएमएलए कोर्ट में यह कहता है कि बयान जबरदस्ती दिलवाया गया। अब पूरे विपक्ष का यह आरोप कि भाई सेलेक्टिव एक्शन है, और सत्ता पक्ष की यह दलील कि भ्रष्टाचार है और तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, संजय राउत, जयंत पाटिल, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, के कविता से लेकर सारे विपक्षी, खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो ईडी की रडार पर हैं। और विपक्ष का यही आरोप है कि ये सेलेक्टिव एक्शन है। मैं कुछ डेटा सामने आपके रखती हूं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो दर्शक देख रहे हैं उनके अदालत में बात पहुंच जाएगी कि वो डेटा ऐसा है कि पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2022 तक केस रजिस्टर किए 5,422, इसमें कन्विक्शन यानी कि सजा कितने केसेस में मिली, 5,500 केसेस रजिस्टर्ड हुए पीएमएलए के तहत और कन्विक्शन हुआ मात्र 23 में, यानी कि 0.5%। आमतौर पर जो मामले इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज होते हैं उनमें यह कन्विक्शन रेट है 57%, और पीएमएलए के तहत जो ईडी केस रजिस्टर करती है उसका कन्विक्शन रेट, फिर दोहरा देती हूं, 0.5%। और यह आंकड़ा सरकार ने दिया है, संसद में बताया है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि ड्रेकोनियन लॉ है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत 2019 में बदलाव हुआ और ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो छापेमारी कर सकती है, सर्च ऑपरेशन चला सकती है, अरेस्टिंग कर सकती है। अलावा इसके एक बेहद और महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूं कि ईडी जब भी किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम आम जबान में जब आईपीसी के तहत केस रजिस्टर होता है तो FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आरोपी को दे दी जाती है ताकि आरोपी ये समझ ले कि उसके खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। लेकिन अगर ईडी कोई केस पीएमएलए के तहत रजिस्टर करती है तो ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आरोपी को नहीं मिलती, जिसे आंतरिक दस्तावेज माना जाता है। आरोपी को यह तथ्य पता नहीं चलते कि उसके खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगे, जिसे विपक्ष मुद्दा बनाता है। और यह बदलाव हुए पीएमएलए में 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी, देश की अदालत ने भी इन सारे बदलावों को जायज माना। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक रिव्यू पिटीशन को जरूर स्वीकार कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि भाई आरोपी को यह ECIR मिलनी चाहिए। इसके लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया, जो हियरिंग अभी पेंडिंग है। तो एक तरफ विपक्ष के आरोप सिलेक्टिव एक्शन के, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की दलील। पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि जितनी भी कार्रवाई हुई वो सब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई। अब जायज हुई नाजायज हुई, ये काम अदालत का है। ऐसे में दो सबसे बड़े बयान मैं आपके सामने रखती हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला
बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन ये चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने। ईडी की जांच पर बवाल, इंडिया में उबाल। और ईडी से आंख मिचौली, कब तक खेलेंगे केजरीवाल। और जो मेहमान इस समय मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, परिचय कराती हूं मैं आपसे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं। टीएमसी, जिनके राज्य में आज ये अप्रत्याशित घटना हुई, वहां से मेरे साथ स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं। संजीव झा नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बृजमोहन श्रीवास्तव अक्सर बहुत सारे आरोपों का सामना करते हैं एनडीए अलायंस में आने के बाद। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सत्येंद्र सिंह भी इस समय इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। स्वयं सबसे पहला सवाल तो ये कि राज्य सरकार इस बाबत चुप क्यों है कि ईडी के अधिकारियों पर आपके समर्थक 200 से ज्यादा जानलेवा हिंसक हमला करते हैं। आप इंडोर्स करते हैं इस घटना को? नहीं, कौन इंडोर्स कर रहा है इस घटना को, यह भर्त्सना करने की बात है किसी भी राज्य में किसी भी जगह में। मगर आपको यह बहुत ही ठंडे दिमाग से क्रोनोलॉजी को समझना है कि कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री, जब गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आए हैं 2021 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद, जब गृह मंत्री जी आए हैं बंगाल में, कुछ ना कुछ इस तरह का एक तो डिस्टर्बेंस केओस तैयार हुआ छोटे रूप में। शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए आप क्रोनोलॉजी के तहत, उन्होंने कहा 30 तारीख के बाद में कुछ गर्दा उड़ा देंगे। ये शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको टीवी में रुपये लेते हुए पकड़ा गया था, जो अपने आप को एकदम सत्यता की प्रतिमूर्ति समझते हैं, उनका बयान है। आज का जो घटनाक्रम हुआ, देखिए राज्य सरकार एक चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार है। ममता बनर्जी की जो सरकार है, मां माटी मानुष की सरकार, आज ममता दीदी का जन्मदिन भी है। और कोई भी आरोप ममता बनर्जी पे कोई भी आज तक ईडी सीबीआई नहीं लगा सकती है। देखिए कुछ लोग हैं ऐसे जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। शुभेंदु अधिकारी की भी है, अधीर रंजन चौधरी की भी है, मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लूंगा। मगर आज जो भी हुआ है इसमें प्रोवोकेशन किया गया है, जन आक्रोश हुआ है। जिस तरह से बच्चे बच्चे को पता है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ वही कार्रवाई करती है कि जहां विपक्ष के नेता हो। आज तक कोई भी, आज देखिए ना छगन भुजबल जो आरोपी है कन्विक्टेड थे, आज उनके सारे चार्जेस क्लियर कर दिए। आप ऐसे कितने, मैं सैकड़ों नेता के नाम गिना दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा और आज वो भ्रष्टाचार क्लियर हो गए। आपने खुद बताया गरिमा जी अभी कुछ देर पहले कि ये जो कन्विक्टेड रेट है ये करीब करीब 5% से भी नीचे है, 4-5% के बीच में कन्विक्टेड रेट है, 5,500 से ज्यादा जी, ठीक है। तो ये स्थिति है, ये जो एक माइंडसेट इनका है कि हमें विपक्ष की सरकार को डिस्टर्ब करना है। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और ये देखिए सभी राज्यों में करेंगे जहां जहां इनकी सरकार नहीं है। आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा छत्तीसगढ़ में, आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा के अगेंस्ट में ये श्वेत पत्र लाते हैं और उनको सीएम बना देते हैं ऑफ स्टेट। लेकिन स्वयं पुरोहित, फिर सवाल जी, हिंसा एक तरफ रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उस पर राज्यपाल ने डीजीपी को भी बुला लिया है और होम सेक्रेटरी को भी बुला लिया जी, लेकिन आप ही के कैबिनेट में शामिल थे ना पार्थ चटर्जी जी, ममता बनर्जी ने ही कैबिनेट से बाहर किया ना अरेस्टिंग के बाद, एकदम थे चार्जेस रहे होंगे।
देखिए ममता बनर्जी के चरित्र पर, ममता बनर्जी की सत्यता पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। चावल का एक बस्ता अगर आप भरते हैं उसमें दो चार कंकड़ हो सकते हैं और उनको दल से निकाल दिया जाता है किसी भी पार्टी में, मगर ये करप्शन का चार्ज क्या तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ही है? क्या हिंदुस्तान के सारे चोर तृणमूल कांग्रेस के अंदर में है? जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिनके अध्यक्ष, जिनके भूतपूर्व अध्यक्ष रुपया लेते हुए पकड़े जाते हैं, जो मंदिरों के नाम पर चंदा उठाकर खाने वाले लोग हैं, ये लोग ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये देश के अंदर में एक तरह का, देखिए अभी वो और कोई मुद्दा नहीं मिला तो हिंदू मुसलमान रोहिंग्या, आज देखिए दुर्गा पूजा जैसा उत्सव हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर में, लाखों करोड़ 10-11 करोड़ बंगाल की जो जनता है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो स्वयं पुरोहित, एक सेकंड, क्या मैं ये मान लूं कि जो कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही है वो जायज हो रही है, बस इसमें एडिशनल ये होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ भी उसी तरीके से उसी पेस पर कार्रवाई हो? देखिए देखिए ये रॉन्ग इंटेंशन है। आप जायज, आप कैसे उसको, आप कोई भी आदमी पे अगर आप ईडी जांच कर रही है तो वो चोर साबित होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। आपने कन्विक्शन रेट बताया है, आप जांच करिए ना, आप जांच करिए। नोटबंदी के समय में जब रुपए जमा हुए थे गुजरात के अंदर में, कौन सी बैंक में जमा हुए थे, कौन उसका डायरेक्टर था, आज तक सीबीआई ईडी गई उनके घर। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी गलत हुई? नहीं नहीं, पीएमएलए का केस नहीं बनता पार्थ चटर्जी पर, अर्पिता मुखर्जी? नहीं नहीं, आप पीएमएलए का केस बनाइए, आप उनको फांसी के साथ, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए ना उनको। मगर मेरा बोलने का मतलब क्लियर है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए जो देश के युवा बेरोजगार है वो पढ़े लिखे वो ये सब नहीं देख, उनको पता है कि देश के अंदर में आप मुझे गिन के देखिए, ममता बनर्जी ने जो पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, ये यहाँ की जो तानाशाह की सरकार थी उसके खिलाफ में बनाई, वामपंथियों के अत्याचार के खिलाफ में बनाई। तो ममता बनर्जी की सरकार मां माटी मानुष की सरकार है और ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मगर उसके बावजूद केंद्र सरकार के अंदर में जब 2021 में मोदी सरकार ने अब की बार 200 पार का नारा दिया और ये फेल हो गए उसके अंदर में, यहाँ की जनता ने व्हील चेयर पे हमारी बैठी हुई नेत्री को जिता करके जब दिया, तो ये अब इनके पास में कुछ नहीं है, किसी न किसी के अभी देखिए तो स्वयं ये अधिकार नहीं मिल जाता ना कि आप सीबीआई को राज्य में ना दाखिल होने दे, ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी हो। नहीं, आप करिए ना, आपको सीबीआई को, ईडी को, आप डीआरआई जो सब अपना काम करते हैं, अगर नहीं दाखिल होने देते तो गिरफ्तारियां हो जाती क्या? अनुव्रत मंडल जैसे नेता को उंगली भी लगा लेता क्या कोई? ऐसी बात नहीं है, कानून अपना काम करेगा। आप यहाँ के जो नेता अगर वो गलत है तो वो जेल, उसकी सजा जेल में होनी चाहिए। कल अगर वो नेता अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लेता तो उसका जवाब कौन? प्रधानमंत्री जी देंगे, गृह मंत्री जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देंगे? नहीं देते हैं। यही बात है कि ये जो भ्रष्टाचार, ये राष्ट्रवाद का छद्म रूप ये बना के रखे हैं कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार का छद्म रूप। ठीक है स्वयं पुरोहित, संजीव झा एक सवाल आपसे भी पूछ लेती हूँ। 3 जनवरी मुझे याद आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन, साल की 3 तारीख पहले महीने की, सीबीआई के इंटरोगेशन को अरविंद केजरीवाल ने 8 से 9 घंटा फेस किया, सैकड़ों सवाल पूछे गए और ये खुद अरविंद केजरीवाल ने अभी कन्फेस किया। ईडी के सामने जाने पर इतना डर क्यों है? अगर कुछ नहीं किया, कोई घोटाला नहीं हुआ, सब सच्चे हैं। देखिए करीमा जी, ना तो अरविंद केजरीवाल किसी से डरते हैं और ना मुझे लगता है कि किसी पूछताछ से बचते हैं, बट आप पूरी क्रोनोलॉजी फिर आपको समझना पड़ेगा। हमारे अभी 3 नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं और मनीष सिसोदिया जी की जांच इनके 500 से ज्यादा अफसर लगभग 1000 जगह छापा मार करके और लगातार जांच चल रही है और लगभग सैकड़ों रिज्वाइंडर चार्जशीट में ऐड होते जा रहे हैं, चार्जशीट फाइनल नहीं हो रहा है। हमारा एक नेता संजय सिंह है जिनका ना कभी जांच में कहीं नाम था, ना कभी कोई किसी कहीं कोई नाम लिया, ना कोई अधिकारी नाम लिया, एक एक्यूज जिसको कहा तुमको बेल दे देंगे तुम बाहर आ जाओ, उसने स्टेटमेंट दिया, उस पे आपने अरेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा ले रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल दूसरा पूछा था संजीव जी, अरविंद केजरीवाल, मैंने सवाल ये पूछा कि भाई संजय सिंह को तो कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई समन नहीं मिला, 4 अक्टूबर को छापेमारी हुई और सेम डे अरेस्टिंग हो गई शाम को। तो अरविंद केजरीवाल अगर सत्यवादी है, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो पेश होने से डर क्यों है? नहीं, आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं नहीं कहा कि हम पेश होना नहीं चाहते। हमारा ये लीगल राइट है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी से ये पूछा कि आप किस बेसिस पे बुला रहे हैं, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है, तो क्या पहली बार की आम आदमी पार्टी कोई पढ़कर पार्टी पार्टी बन सकती है? आप नेशनल कन्वेनर होने के नाते हमें बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, या एक्यूज होने के नाते बना रहे हैं?
ईडी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ईडी ही फैसला देगी, ईडी ही जांच करेगी और ईडी के पास सारे अधिकार हैं। ईडी की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये पूछा है कि किस बेसिस से बुला, बताना चाहिए। और ये मेरा लीगल राइट है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, संविधान ने एक एक सिटीजन को अधिकार दिया है। तो आप कहते हैं आ जाओ, किस बेसिस पे आ जाओ, क्यों आ जाओ, क्या कैसे बुला रहे हो, इस बात का जवाब तीन लगातार समन आ गए। तीनों समन में लगातार वही बातें जो पहले समन में था। अरविंद केजरीवाल जी के चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ईडी की बनती है, एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, आपने ईडी क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक बात समझिए गरिमा जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी का एक नया टाइप बना दिया। वो डेमोक्रेसी का टाइप है या मैनेज डेमोक्रेसी? आप कह दीजिए ईडी जांच एजेंसी है, आप कह दीजिए सीबीआई जांच एजेंसी है, आप कह दीजिए डीआईए जांच एजेंसी है, नहीं है। ये केवल किरदार है। सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लिखी जाती है और फिर इनके तमाम लोग टीवी आके झूठ बोलते हैं और फिर जांच का नाटक होता है। नहीं जांच हो रहा है, कोई समय सीमा तो होगा ना। मनीष सिसोदिया जी लगातार एक साल होने वाले हैं जेल जाते हुए, चार्जशीट फाइनल ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ट्रायल शुरू कर रहे हैं आप? लेकिन सवाल थोड़ा रिपीटेड लग सकता है संजीव झा, लेकिन वैलिड सवाल है। अदालत पर भरोसा करते हैं संजीव झा? देखिए अदालत भी जांच, अगर अगर अदालत में जांच एजेंसी लगातार कह रही है मुझे और चार्जशीट सबमिट करना है, तो अदालत फैसला कैसे दे सकती है? भाई दोस्त, अभी इसी अदालत के जस्टिस ने कहा कि तुमने जो मनीष सिसोदिया के चार्जशीट जो अभी तक बनाया है, इसमें एक मिनट ट्रायल में नहीं टिका केस तुम्हारा, कहा था कि नहीं कहा था? मैं तो नहीं कहा था, जस्टिस ने कहा था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत की जो शर्तें हैं पीएमएलए एक्ट की, जमानत की शर्तों को सेक्शन 16 में आप फुलफिल नहीं करते। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने ईडी को मॉन्स्टर बना दिया, आपने 16, 17, 18 को अमेंडमेंट करके आपने ईडी को ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया है जो किसी को कभी तक कितने दिन तक चाहे रख सकता है। तो अगर इस तरह, देखिए आप जो कह रहे हैं, अगर इसी तरह से किसी एजेंसी को मॉन्स्टर बना देंगे तो हो सकता है कि ये विरोध सड़कों पर आपको देखने को मिले। जब जब नहीं मिलता है, आपने इस बात को, संजीव झा, आप इस बात को प्रचारित कर रहे हैं, ईडी गिरफ्तार करेगी, ईडी गिरफ्तार करेगी, आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर सब लोगों ने 3 जनवरी से पहले 4 जनवरी को यही सब कहा ना। अगर अरेस्टिंग करनी होती अरविंद केजरीवाल की तो संजय सिंह की तर्ज पर भी हो सकती थी, बिकॉज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नॉट बाउंड टू सर्व एनी नोटिस टू द एनी अक्यूज्ड। नहीं, एक बात बताइए आप, हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने, आप ये क्यों नहीं कहते कि इन्होंने जो 3 चिट्ठी लिखकर लगातार समन को उन्होंने जवाब दिया है, भाग नहीं रहे, उनके एक वैलिड सवाल है। अरविंद केजरीवाल कोई एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता नहीं है, केवल एक मंत्री नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के नेशनल पार्टी के राष्ट्र संयोजक है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो आप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है ना। बिल्कुल, और उसी संविधान में जो बात लिखी गई है उसी संविधान सम्मत बात हम कर रहे हैं, हम संविधान के परे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज ईडी जो कर रही है, केंद्र सरकार जो कर रहा है, ये संविधान के परे बात कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि पहले कहा कि भाजपा 300 पार हुई, आज पार्लियामेंट संसद खत्म हो गया, 400 पार संविधान खत्म हो जाएगा। अब देश को तय करना पड़ेगा कि इसी तरह का कोई अराजक सरकार चाहिए या संविधान सम्मत काम हो। आज एक भी बता दीजिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, कोई संविधान सम्मत काम हो रहा हो। अभी इलेक्शन कमीशन का कानून बना, क्या कानून बना? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जजमेंट था, उसको आपने दरकिनार कर दिया, कहा हम भी बना लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं संजीव झा। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी पावर्स को, सारी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। सुरेंद्र राजपूत रिव्यू भी चल रहा है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, अब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया, सर्वोच्च अदालत का, आप लोगों ने भी पीआईएल लॉन्च किया था, आप लोगों ने भी याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड से पीएमएलए का कंपेरिजन नहीं हो सकता, ईसीआईआर से एफआईआर का कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक बड़ा और सख्त कानून है, तो तुलना नहीं हो सकती। तो ये विक्टिमाइजेशन जो विपक्ष करता है, या तो कह दे विपक्ष की सारी कार्रवाइयां नाजायज हैं, फिर वो 309 करोड़ कहीं से मिलता है, 49 करोड़ कहीं से मिलता है। गरिमा जवाब दूं? प्लीज कैरी ऑन सर।
जी शुक्रिया। एक अहमद फराज का शेर था गरिमा, कहते ना कि खामोश हो क्यों दादे जफा क्यों नहीं देते, और बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। तो मसला क्या है कि यहां पर बिस्मिल है, अगर ये कातिल को दुआ नहीं दे रहे हैं तो हमें विक्टिमाइज कर दिया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ रखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होगी उस पर हमारे वकील साहिबान और जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो बात करेंगे। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं और एक ऐसी बात करने आए समाज की जिससे आप भी सहमत होंगे और हम भी सहमत हो, तभी इस रिजल्ट का बहस का कुछ निकल पाएगा। आप भी इस बात को मानेंगी कि साहब कोई भी आदमी हो जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो उसका स्वागत होना चाहिए कानून में, लेकिन इसके साथ साथ जांच एजेंसियों की भी जिम्मेवारी है और वर्तमान सरकार की भी जिम्मेवारी जो FIR करती है, ED पे जाती है, CD पे जाती है, IT पे जाती है या क्या नाम किसी और एजेंसी पर जाती है कि वो टाइम बाउंड कार्रवाई करे। ये तो सब मानेंगे ना। आप मुझे ये बता दीजिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ का घोटाला जो कथित रूप से बात करते हैं वो कब का है? आज से 9-10 साल पुराना। क्या हुआ? जब हेमंत सोरेन चुनाव आते हैं तब वो घोटाला खोलते। आप मुझे बताइए कि ये जो राशन घोटाला है ये कब का है? आप मुझे ये बता दीजिए कि इसके साथ साथ किसी भी प्रोग्राम की कोई भी किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो, कानूनी कार्रवाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सेट पैटर्न पे टाइम बाउंड कानूनी कार्रवाई, इस पर तो कोई रोक नहीं है। जब ये सारी की सारी कार्रवाई तेज होती है, जब एकनाथ शिंदे और उसके विधायक जो होते हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं होते हैं या क्या नाम उद्धव ठाकरे के साथ होते हैं, तब उनके 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 5000 करोड़ के, 60000 करोड़ के सारे क्या नाम वो जब्त होते हैं, 27 MLA के नोटिस जाते हैं, और जैसे ही वो भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं उस दिन के बाद वो सारे नोटिस भी बंद हो जाते हैं और उनकी कार्रवाई भी बंद हो जाती है। यही हाल अजीत पवार का होता है, यही हाल हेमंत सोरेन का, सॉरी क्या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा का होता है, यही हाल छगन भुजबल का होता है जो 7 साल 4 साल जेल रहे हमारी वजह से, और यही हाल जो होता है ये नवाब मलिक का भी होता है जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी है। आज की डेट में अब दाऊद इब्राहिम का साथी नहीं रह गए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के साथी हो गए। तो हमारा प्रश्न जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग पर है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। लेकिन तो ये कहते मैं कि सुरेंद्र राजपूत ऐसा क्या सवाल पूछ रही हूँ कि भाई आपने अचानक से आप यहाँ उठा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत आप जो सवाल उठा रहे हैं जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का, यही सवाल आप देश की सर्वोच्च अदालत के सामने लेकर गए, ईडी CBI का बेजा इस्तेमाल, PMLA एक्ट का बेजा इस्तेमाल, अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ECIR मिलना चाहिए, शक्तियां जो दी गई हैं PMLA के तहत ईडी को वो कम होनी चाहिए, खारिज हो गई ना लेकिन अदालत में बात नहीं, खारिज नहीं हुई। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि इस तरीके की जितनी बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी और उसका सपोर्टेड, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पहले कह दूं चूंकि आप बिल्कुल सत्य का शो करती है, आपके साथी जो बाराती जो लोग हैं जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं वो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम जांच एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि साहब टाइम बाउंड कर दीजिए, हम नहीं कहते कि गिरफ्तारी। आप मुझे बता दीजिए आज की डेट में शराब घोटाला है दिल्ली का, शराब घोटाले में 3 महीने लगे 4 महीने लगे 6 महीने लगे, सुरसा की तरीके से समय बढ़ाते जा रहे, जिसको चाह रहे अरेस्ट कर ले रहे। हम कहते हैं आपसे आरोप को अपराध क्यों बना रहे हैं आप? जिसको चाहे उसको अरेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश कुमार तक कोई जांच नहीं पहुंची है। मैं अभी आज जब इवैल्यूएट कर रही थी तो मुझे नीतीश कुमार याद आ रहे थे, मुझे सुरेंद्र राजपूत भी याद आएंगे, मुझे कांग्रेस के और बहुत सारे बड़े नेता याद आएंगे जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही, कोई समन नहीं भेजा जा रहा। अभी 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 गरिमा जी मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं है आज आपके मुंह से निकला, हो सकता है आपकी वाणी में सरस्वती बैठी हो, और यकीन मानिए मेरे ऊपर जांच आएगी तो आपके ऊपर भी आ सकती है, नीतीश जी के भी ऊपर आ सकती है। रीजन क्या है कि ये जब ये कहते हैं ना PMLA कोर्ट PMLA उसमें कानून में कि साहब एक्यूज्ड की जिम्मेवारी है वो अपने आप को निरपराध साबित करे, जेल में रहेगा कैसे साबित करेगा, और साथ में कह देते हैं अभी तो कुछ गवाहियां बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है नवाब मलिक के
सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है संजय राउत के उसमें कि जमानत देने के मामले में, ये कभी चर्चा नहीं होती। हाई कोर्ट ने संजय राउत के उसमें ऐसी डांट लगाई इन लोगों को, ईडी वालों को, कि इनकी नानी याद आ गई, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि टाइम बाउंड तो सबको होना चाहिए। आज हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की है, कल हमारी सरकार आ जाएगी। मैं सुरेंद्र, यही भाजपा वाले चिल्लाएंगे, बता देती हूँ। यकीन मानिए, दोनों पक्ष हमेशा सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से कहा मनीष सिसोदिया के मामले में कि वेयर इज द मनी ट्रेल, यू कुडंट एस्टैब्लिश अ चेन, मैंने वो बात भी रखी। और मैंने वो बात भी रखी कि कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5% है 2022 तक। ऐसे में सत्येंद्र सिंह, विपक्ष को सुना आपने, तो क्या ये जो बहस है ईडी और सीबीआई की कि राजनीतिक इस्तेमाल जायज है या कोई पेंच है? गरिमा जी, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा, ईडी की कन्विक्शन रेट पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि 0.5% है। अदालत में जब ईडी ने केस फाइल कर दिया, उसके बाद ईडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, उस पर न्याय प्रक्रिया जो हमारे न्यायाधीश है, न्यायालय, उनका कंट्रोल है कि वो फैसले कब होंगे। अब कन्विक्शन रेट आप कहां से निकालेंगे? यदि 100 केसेस में फैसला हुआ है और 95 में कन्विक्शन हो गया, तो कन्विक्शन रेट तो 95% होगी। आप उस 1000 केसेस को कैसे काउंट कर सकते हैं जो पेंडिंग है? ईडी की कन्विक्शन रेट, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 95% है। ठीक है, जितने केसेस का फैसला हुआ है उसमें आप हिसाब लगा लीजिए कि कितनों में कन्विक्शन हुआ। लेकिन फिर ये सवाल ठीक है सर, मैंने माना कि अदालत पे जब दाखिल कर दी चार्जशीट, अब अदालत का जुरिसडिक्शन हो गया, अदालत का प्रेरोगेटिव हो गया, ये मैंने मान लिया। लेकिन फिर ये वाला जो आरोप है, जो ईडी के ही आंकड़े हैं कि भाई 115 नेता विपक्षी दलों के हैं और मात्र 6 नेता सरकार समर्थित है, 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन है। जी, अब मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं इस देश का नागरिक भी हूं, क्या हम अपराधियों का भी वर्गीकरण करेंगे? तो हम कहें कि इनमें कोई भी अपराधी नहीं है तो एजेंसी पे आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण करना कि साहब 50 आदमी तो उनके हैं, इनके 10 आदमी हैं, 2 आदमी उसके हैं, क्या आपको गैरवाजिब नहीं लगता? नहीं, ये गैर वाजिब ठीक है, आपका एक अपना नजरिया है, मेरा आक्षेप उस पर नहीं है सत्येंद्र सिंह, लेकिन ये विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, क्या ये गैर वाजिब है कि उनका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है? देखिए, ये वही बात होगी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, शायद वो एक पहलू देख रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन करेगा? जो सत्ता में रहेगा, जिनके पास सत्ता रही है। यदि उनके भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहे हैं तो इनका नंबर बढ़ा हुआ है। यदि कल सत्ता परिवर्तन होता है और जो वर्तमान में लोग सत्ता में हैं, यदि ये भ्रष्टाचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बाद में आंकड़े एकदम उल्टे हो जाएंगे। नहीं, फिर मैं एक और सवाल पूछती हूँ सत्येंद्र सिंह आपसे। अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का जिक्र आया था कि भूपेश बघेल तक पैसा पहुंचाया गया, 506 करोड़ रुपए। ईडी ने दावा किया, ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अधिकारी बैठे बाकायदा और कहा कि असीम दास के नाम के उस ड्राइवर ने यह कन्फेशन दिया है कि उसने पैसा पहुंचाया मुख्यमंत्री के घर, लेकिन वही व्यक्ति पीएमएलए कोर्ट में मुकर जाता है। देखिए, इस मामले में क्या क्रेडिबिलिटी का संकट है? नहीं, क्रेडिबिलिटी का कोई संकट नहीं है। देखिए, एक बात जरूर मैं मान सकता हूं कि ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, जब तक कि क्योंकि जांच चल रही है, जांच जारी है, नतीजों पे पहुंचने में समय लगता है। अब महादेव ऐप के जो कर्ता धरता है उनको विदेश से लाया जा रहा है, बहुत सी चीजें हैं जो कि सामने आ जाएगी कि पैसा कौन ले रहा था, किसको जा रहा था। तो अभी देखिए, जांच एजेंसी ने अपना निष्कर्ष नहीं लिया है। एक आदमी पकड़ा गया, उसने एक बयान दिया, उस बयान को एक कोट किया गया, अब उसके राजनीतिक मायने निकाल लें और कुछ भी मायने निकाल नहीं। लेकिन आप मान रहे हैं कि जल्दबाजी ईडी को नहीं करनी चाहिए थी, जल्दबाजी हुई, यानी कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी से? जी हाँ, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन यही है
कि इस तरह के मामले जबकि जांच पूरी नहीं हुई हो उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ठीक है, अब आरपी से ऑफिशियली नहीं की जाती, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, ईडी से गलती हुई। और एक और अभी आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु के उस किसान के घर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन चला गया जिसके अकाउंट में मात्र 450 रुपए है। आरपी सिंह, एक पैटर्न दिखा देती हूं मैं आपको जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन, संजय राउत, जयंत पाटिल, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, के कविता, ज्योति प्रिय मलिक, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तमाम वो नाम हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें चल रही हैं, रेड पड़ रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एस जगत रक्षकन भी उसमें शामिल है, बड़े नाम हैं सब अपनी अपनी पार्टियों के, और इत्तफाकन इंडिया गठबंधन में ये सारे नेता शामिल हैं। तो ये पैटर्न संदेहास्पद माना जाना चाहिए? गरिमा जी, आपने शुरू किया ईडी के कन्विक्शन परसेंटेज से, जब ईडी के पूर्व अधिकारी ने आपको उसका जवाब दे दिया आपने तुरंत गोल पोस्ट बदला, और गोल पोस्ट बदल कर आपने उसको कर दिया कि नहीं नहीं विपक्ष पर 95% है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जिसने घोटाला किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छूटेगा कोई नहीं। और इस सारे के अंदर एक जानकारी देना फिर भूल गई, वो है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है ईडी ने, सरकारी दफ्तरों के अंदर से सोने की ईंटें पकड़ी गई राजस्थान के अंदर सरकारी दफ्तर में, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ में, जो कार्यालय जो रहता है उस कार्यालय से ईंटें पकड़ी गई। तो दिखता है कि किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। आपने खुद ही अभी जिक्र किया पार्था चौधरी का, अभी आप जिक्र करी थी मनीष सिसोदिया जी की, आपने उनको क्लीन चिट दे दी कहकर कि मनी ट्रेल नहीं है। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुना देता हूं कि मनी ट्रेल का क्या सीन है। वो कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस, ये आपके चैनल की किसी उसमें है, जस्टिस भट्टी के बेंच ने फैसला सुनाया कि कहा कि मनी ट्रेल साबित हुआ और मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपये का है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका जरूर खारिज कर दी है, लेकिन यह भी कहा कि उसकी ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, 6 से 8 महीने का समय भी दिया। मनी ट्रेल मतलब 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, कोर्ट ने उसको माना। तो आप तो कोर्ट से ऊपर हैं, आप तो क्लीन चिट दे सकती हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर सकती हैं, आपको छूट है क्योंकि आप मीडिया हैं और हमारे यहाँ मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है कि जैसा हुआ चाहे वैसे अपना मुकदमा चलाएं और उसको उसका फैसला सुनाएं। पर मूल बात बताइए आप कि क्या पार्था जी के यहाँ से संपत्ति पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई, कैश पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, परंतु उसके बाद जो आज हुआ भूल गए होंगे शायद आप, कैसे मान्यता देंगे? जब मैं पार्थ चटर्जी का जिक्र कर रही थी, अर्पिता मुखर्जी का जिक्र कर रही थी, जब मैं धीरज साहू का जिक्र कर रही थी, जब मैं अराजकता का जिक्र कर रही थी, समन भेजे जाने पर पेश नहीं होने का जिक्र कर रही थी, जब मैं जिक्र कर रही थी मनी ट्रेल का, तब शायद आप सिलेक्टिव हियरिंग के दौर में होंगे। लेकिन प्रोसीड योरसेल्फ, मैं फिर आपके सवाल, मैंने तो जिक्र किया, मैंने तो कहा आपको, मैंने आपको, मैं तो कहा कि आपने जिक्र किया, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि आपने पार्था का जिक्र किया जिसमें आपने कहा कि कोई लगभग 50 करोड़ 1 करोड़ रुपये कम 50 करोड़ रुपये लगभग पकड़ा गया। मैं तो कह रहा हूँ उस मामले में, कम मना कर रहा हूँ कि आपने नहीं जिक्र किया, परंतु क्या आज ममता बनर्जी का जन्मदिन है इसलिए जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए? ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई, परंतु क्या जन्मदिन वाले दिन इस प्रकार की घटना होनी चाहिए जो आज वहाँ पर हुआ? क्या देश शर्मसार नहीं हुआ जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमानों के माध्यम से जिस प्रकार से ईडी पर हमला कराया गया? ये शर्मसार करता है। अब इस प्रकार की अगर कार्रवाई होगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, कैसे काम चलेगा आरपी सिंह, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस घटना की निंदा की और बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हिंसा को जायज नहीं ठहराऊंगी, किसी सूरत नहीं ठहराऊंगी। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 2019 में ईडी ने ही कहा था, मैं एक दो बातें आरपी के बातों का जवाब दे दूंगा, आरपी सिंह सवाल पूछना मेरा अधिकार है। 2019 में जांच एजेंसी जिसकी साख जितनी बेहतर होगी उतने मेरे देश का लोकतंत्र बेहतर होगा, ईडी ने 2019 में कहा कि प्रफुल्ल पटेल जब सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे तो 70,000 करोड़ की
वित्तीय अनियमितता उन्हीं के मंत्री रहते हुए हुई, एयर इंडिया को 70,000 करोड़ का घाटा हुआ, एक एविएशन लॉबिस्ट को 272 करोड़ रुपए दिए गए, ये ईडी का आरोप था प्रफुल्ल पटेल पर, जिसके तहत पिछले साल हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था प्रफुल्ल पटेल को। कुछ हुआ क्या उसके बाद? तो आपको क्या लग रहा है, मुकदमा बंद हो गया क्या? और एक निवेदन और है, आप चाहे आप करें चाहे बाकी जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कोशिश करें और मनु सिंघवी जी जैसे अच्छे वकील या और अच्छे जो वकील हैं देश में, उनको लेकर कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से ऑर्डर लें। कोई रोक थोड़ा रहा किसी मामले में कि नहीं नहीं ये ट्रायल थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको स्पीड अप कर दो। अभी मैं जो बात कह रहा था, आपने बीच में संजय सिंह जी की बात की और कुछ और उनके साथियों की भी बात की, मैं उसमें एक नाम का जिक्र कर दूं, मेरे संजीव झा अच्छे दोस्त हैं, बैठे हैं यहाँ पर, एक साथी उनमें विजय नायर, इनका साथी है विजय नायर, सरकारी बंगलों से ऑपरेट करते थे, कैलाश गहलोत दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो अपने बंगले में नहीं रहते थे, उनके बंगले में कौन रहते थे, विजय नायर साहब रहते थे, वहां पर वहां से सब ऑपरेशन होता था। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई छुपाई नहीं जा सकती बात, तो ऑन रिकॉर्ड ये भी है आरपी सिंह की संसदीय दल, आप ही का बीजेपी का संसदीय दल। और मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सारे लोगों से मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ चुकी हूं। आप ही का संसदीय दल हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आरोप लगाता है, 64 पन्नों की बुकलेट जारी करता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है और वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कहाँ है वो फिर, जांच कहाँ है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, जानकारी दे पाए अगर आप, मुझे 9 साल हो गए इस बात को। गरिमा सिंह जी, जी मैं देर 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 जानकारी, मैं चाहूंगा कृपा कर आप जरा एक बार रिपीट कर दें और कह दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार किया हुआ है, आप बोलते हैं एक बार अपने चैनल पे कि अपनी तरफ से, आप तो बड़े कन्विंस्ड हैं सारी बातों से, हमारी बातों से कन्विंस्ड हैं, तो आप अपनी तरफ से कह दीजिए, पता लग जाएगा आपको। अरे ये आप ही के संसदीय दल ने बुकलेट जारी की, रिपीट कर आरपी सिंह, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। माना ना जी की हमने, वो करप्शन, मैं गरिमा सिंह जी मैं कह रहा हूं, आप हमारे आधार पर उस बात को अपनी तरफ से कहने की हिम्मत करिए ना, आप करिए ना हिम्मत, और सिसोदिया साहब के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं ना मानहानि के, आज अभी संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा अभी आज ही पड़ा मेरे अखबार में, एक मानहानि का मुकदमा आया, करिए अपनी तरफ से क्लेम आप, मेरा चैलेंज लीजिए, आप कहिए ना, आप तो हमारी बात पे यकीन कर लीजिए, चलिए आपको हमारे संसदीय दल पे यकीन आता, उन पे यकीन कर कह दिए, नहीं मैं कहती हूँ गरिमा सिंह कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है, कहिए एक बार, ये मेरा काम नहीं, नहीं कह सकेंगे आप, क्योंकि नहीं मैं बतौर पत्रकार, बतौर पत्रकार आपने वो बुकलेट जारी की, बतौर पत्रकार मैं ये जानती हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की, मैं ये जानती हूँ कि अजीत पवार को घोटालेबाज आपने कहा, मैं ये जानती हूँ कि नारायण राणे या पेमा खांडू या फिर अदिति तटकरे या फिर अजीत पवार, मैं ये जानती हूँ कि ये सारे लोगों के खिलाफ चार्जेस थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हेमंत पाटिल बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कह देते हैं कि अब मैं चैन से सोऊंगा, कोई जांच मेरे खिलाफ नहीं होगी, मैं ये जानती हूँ, और इस पर मैं आप सम्मान से प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, लेकिन मैं ये जानता हूं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मैं ये जानता हूं, ईडी जैसी संस्था जो मेरे और आपके देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उसकी साख जरूरी है, वो अगर दो किसानों के घर नोटिस भेजती है जिनके अकाउंट में मात्र 450 रुपए है, इंडियन एक्सप्रेस की आज ही की खबर है, बॉटम लाइन पर देख लीजिएगा पहले पन्ने पर, 450 करोड़ उनके अकाउंट में है, दो किसान है, उनके खिलाफ ईडी का समन जाता है क्योंकि उनका झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर बीजेपी के नेता से है, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करती, लेकिन मैं बस आपसे बड़ी संजीदगी से सवाल पूछ रही हूं कि यह साख का मसला है क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए? देखिए गरिमा जी, एक तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार ईडी के परफॉर्मेंस को लेकर और ईडी के मुद्दों को लेकर आप अपने चैनल पर बहस करवा रही हैं, कम से कम इससे लोगों को एक हकीकत पहुंच रही है उन तक और हम लोगों का पक्ष भी पहुंच रहा है। मैं एक बात कहूं कि ये जो नोटिस है इसका जवाब तो ईडी देगा, लेकिन कई बार टेक्निकल त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि के कारण हम एजेंसी के पूरे परफॉर्मेंस को या पूरे उसके चरित्र का मूल्यांकन करने लगे तो ये शायद ठीक नहीं होगा। आप देखिए कि जो आरोप लगता है कि खाली राजनीतिक दलों पे के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में कम से कम 5500 के करीब विधायक चुने जाते हैं,
करीब 800 के करीब सांसद है राज्यसभा लोकसभा के मिला के, मैं सोचता हूँ करीब 100 से ज्यादा मेयर चुने जाते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज के चांसलर वाइस चांसलर से। तो करप्शन का अगर कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो राजनीतिक लोग हैं और यदि वो ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल होने के कारण उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कोई काम ना करें, तो मैं सोचता हूँ शायद ये जिस पोजिशन पे वो हैं उसका वो दुरुपयोग करना चाहते। हाँ, जहां तक बात कार्रवाई की है तो अगर किसी भी जांच एजेंसी के पास, मैं ये नहीं कहता कि खाली ईडी, मुल्क की किसी भी जांच एजेंसी के पास यदि कोई शिकायत पहुंचती है तो ये उसका दायित्व है कि वो उसका गुण दोष के आधार पर उसका परीक्षण करे और उसके बाद उस पर जांच भी करे। अब जांच का मतलब तो ये नहीं हो सकता है लेकिन कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव, जब मैं इसलिए चिंतित हूँ, आप मुझे बधाई दे रहे हैं, मैं आपको बधाई दे रही हूँ कि आप जांच एजेंसी पर सवालों का सामना कर रहे हैं। प्रश्न तब उठेगा कि नहीं उठेगा कि जिस गवाह को आप ये कह रहे हैं कि उसने पैसा पहुंचाया कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर पर, भूपेश बघेल के घर पर, वही आपका जो क्या कहें उसको, जो गवाह है वो मुकर जाता है पीएमएलए कोर्ट में, आपकी एक मंत्री साहिबा बीजेपी की मंत्री संसद में, जिसे आप सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कहते हैं, उसमें कहती है कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी। महाराष्ट्र का एक मंत्री, आपके होम स्टेट का मंत्री कहता है कि बीजेपी ज्वाइन कर ली अब चैन की नींद सोऊंगा, और फिर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एग्जांपल्स गिनवाऊंगी। गरिमा जी, देखिए मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकल परसेप्शन होता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के बारे में कहा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैबिनेट, वो जो पूरा फैसला था वो भारत सरकार की कैबिनेट का था, और इतनी बड़ी खरीदी अकेले कोई कैबिनेट मंत्री के निर्देश या उनके आदेश से नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है, उसका पूरा परीक्षण हुआ है। लेकिन मैं यही कह रही हूं कि वो आरोप किसने लगाया, कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती, लेकिन आरोप किसने लगाया? आरोप लगाया देश की जांच एजेंसी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा। कहता हूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने जिस राजनीतिक व्यक्ति से हमारी अपनी प्रतिनिधित्व होती है या जिससे हम किसी प्रकार की कुंठा महसूस करते हैं, उसके चरित्र हनन के लिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। और बात यह होती है कि उस जिस आदमी ने जो बात की है उसके उसको भी देखा जाता है कि वो कितनी सही बात बोलता है। अब जैसे कई बार लोगों ने आरोप लगाए उनका, वो चार्टर अकाउंटेंट है या किसी बड़ी पोजीशन पे, उन्होंने अपनी कोई बात की, मीडिया को ऐसा लगा कि शायद ये आदमी सही बोल रहा है, उसकी बात को उन्होंने आगे तक पहुंचा दिया, वो चर्चा का बिंदु बन जाता है। एक परसेप्शन बनना और एक हकीकत होना, इन दोनों में फर्क है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। There is no smoke without fire, sir. आप इस बात को भलीभांति जानते हैं। तो संजीव झा, भ्रष्टाचार, गरिमा जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस पे हम गहराई से अगर चिंतन करेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं। राजनीतिक, वही तो कह रही हूँ ब्रजमोहन श्रीवास्तव, की राजनीतिक कारण है। और मैं तो आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ, चलिए मुझे मुक्त कर दीजिए इस जिम्मेदारी से। आप बताइए, पिछले एक साल के दरमियान मैं 25 नेताओं की फेरिस्त पढ़ रही हूं, आप बताइए मुझे कि सत्ता पक्ष के किन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? अब सत्ता पक्ष जो, आप इसमें ये देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, गलतियां भी उन्हीं से हुई हैं अगर उसको पकड़ा जा रहा है तो। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर सत्ता में, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि मैं देश में भ्रष्टाचार को के खिलाफ काम करूंगा, अगर उनकी कैबिनेट करप्शन नहीं कर रही है तो क्या ये जरूरी है कि उनमें से किसी आदमी को पकड़ा ही जाए? पर अगर ऐसा है तो सबूत भी तो दें। ठीक, आरोप लगाते हैं। संजीव झा भाई, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं, पीड़ित क्यों बनते हैं बार बार? अदालतों पर भरोसा रखिए। ईडी के स्पोक्स पर्सन है, मैं उनकी बात सुन रहा था, जरा इनसे पूछिए। इनके बीजेपी गवर्नर थे पाल सिंह जी, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग आकर के यहाँ पर करप्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि गोवा का जो मुख्यमंत्री है सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी कई सारे नेताओं के नाम के भ्रष्टाचार में शामिल है, और कह रहे जो हमारे पास शिकायत है हम जांच करते हैं। कम से कम सैकड़ों लोगों ने अदानी के तरह तरह की करप्शन की बात हमारी पार्टी कई सारे लोगों, संजय सिंह जी ने दिया था कि अदानी का ये करप्शन है, इसकी जांच कीजिए, है हिम्मत तो करके दिखाइए। आप बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कैबिनेट है वो कहीं भ्रष्टाचार है ही नहीं। कर्नाटका में चुनाव हो रहा था, वहां की जनता कह रही थी 40% की कमीशन की सरकार, और सरकार गिराया भी वहां के लोगों ने। महाराष्ट्र के सदन में खोखा खोखा 50 खोखा की बात हुई थी, क्यों नहीं जांच किया एकनाथ शिंदे पे, तमाम लोगों पे? है हिम्मत, जांच करके दिखाइए।
एक बात समझिए, आज देश में ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के रह के बन के केवल लड़ाई लड़ चुकी है। जहां जहां चुनाव के आसार होंगे पहले ईडी जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे। ठीक है, तो ईडी मेयर चुनाव से संबंधित ये सारा खेल दिखता है, तो चुनाव तो बिहार में भी है। होगी वहां पर भी ईडी होगी, बिल्कुल जाने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। दो चार दिन में आपको बहस करनी पड़ेगी, चाहे वो तेजस्वी जी के खिलाफ हो, चाहे हमारे खिलाफ, चाहे किसी खिलाफ हो, बिल्कुल जाएगी। मैं तो सिर्फ दो तीन बातें कह रहा हूं आपसे। पहली बात तो आरपी सिंह जी का जवाब दे देता हूं कि सरदार आरपी सिंह साहब, इसका मतलब ये है कि जो आपने आरोप लगाए हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, अजीत पवार के ऊपर, जो आप कह रहे हो हिम्मत है तो दोहराइए, मैं दोहराता हूं, मैं कहता हूं हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ अमित शाह जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 62 से 64 पन्नों की एक भ्रष्टाचार की स्वास्थ्य विभाग के एक बुकलेट छापी थी। या तो भारतीय जनता पार्टी महाझूठी, महाबेशरम, महानिर्लज्ज पार्टी है, और नहीं तो जांच क्यों नहीं हो रही आज की डेट में, वो मुख्यमंत्री क्यों है ये आप हमें बताइए, हम कहते हैं इस बात को। ठीक है, मैं दो छोटे छोटे जवाब एक आरपी सिंह से और एक सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह जी सुनिए सुनिए, बहुत छोटी सी छोटा सा सतेंद्र सिंह जी के लिए। सतेंद्र सिंह साहब पीएमएलए, हाँ पीएमएलए कोर्ट में 100 केसेस अभी फाइनल हुए हैं। पीएमएलए कोर्ट तो आप ही का है, अभी हायर कोर्ट में बताइएगा सारे केसेस की धज्जियां उड़ेंगी, सारे केसेस की धज्जियां उड़ेंगी। तो और आपको परसेप्शन का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी? ठीक है सुरेंद्र राजपूत, साख का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है आरपी सिंह? बहुत संक्षेप में कहिएगा। गरिमा बहन, मैं फिर रिपीट करता हूं, जी मैं चाहूंगा राजपूत जी से भी वही प्रश्न है जो आपसे कहा, वह उस बात को कह दें कि जो आप कह, जो आपने कह पाई वो कह दें, मैं मान लूंगा, फिर उसके बाद देख लेंगे जो होगा। परंतु जो मूल बात है, अभी मेरे दोस्त संजीव झा ने कहा कर्नाटक के अंदर 40% थी। सर आपके हिसाब से, आप ही के पैरामीटर के हिसाब से, वहां के गवर्नर साहब ने कहा था गोवा के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, तो फिर उनकी सरकार वापस आ गई। वैसा वर्षा नहीं आप सिंह, मैंने बड़ा जिम्मेदार सवाल पूछा था और मैं इस डिबेट को एक बेटर कंक्लूजन के साथ वाइंड अप करना चाहती हूं, जनता यहां से कुछ लेकर उठे। सतेंद्र सिंह, परसेप्शन महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? और जब बहुत सारे इंसिडेंसेस ट्रेल के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो परसेप्शन को खतरा होता है क्या? जी नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो परसेप्शन पे नहीं चलता, इन्वेस्टिगेशन चलता है एविडेंसेज पे, जो एविडेंसेस कलेक्ट होते जाते हैं और वही केस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो आईयू है या एजेंसी है, हम जवाबदेह हैं कानून के प्रति, अदालतों के प्रति। यदि हम कोई गलत केस बनाएंगे या परसेप्शन पे चलेंगे तो अदालत में हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे खिलाफ कई तरह के मेरा सवाल इधर था आदेश दे सकती है। जांच एजेंसियों को लेकर अगर एक निगेटिव परसेप्शन बन रहा है और जिसके पीछे इतने सारे इंसिडेंट्स का आधार भी है, ये मेरा सवाल था। देखिए जी, मैं आपका समझ गया। देखिए अब सवाल उठा कौन रहा है? सिर्फ वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। क्या ईडी सिर्फ राजनीतिज्ञों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है? बड़े बड़े कॉरपोरेट जेल में बंद हैं, बड़ी बड़ी आप वीवो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए के मुकदमे बन रहे हैं, क्या वो लोग सम्मानित नहीं है? क्या ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट, जिनका कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान है, चाहे वो हीरो ग्रुप हो या कोई हो, उस पर कोई चर्चा नहीं होती? तब कोई नहीं कहता कि साहब ये गलत जांच हो रही है। सतेंद्र सिंह, मैं बहुत वैलिड मानकर आपकी बात को वाइंड अप कर रही हूं। 5,500 केसेस, उनमें से नेताओं के खिलाफ चंद केसेस हैं, लेकिन परसेप्शन का मसला है। और परसेप्शन का मसला तब आता है जब आप भी स्वयं मानते हैं कि कई बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जल्दबाजी में कुछ फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेसिस पर इनकरेक्ट होता है, गलत साबित होता है। छत्तीसगढ़ का केस जैसे मैंने स्टेट किया। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साख का सवाल है जिस पर डेमोक्रेसी टिकी है, लोकतंत्र टिका है। साख बची रहेगी तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा, जिम्मेदारी यही है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम।